आज हम लोग लंबे अंतराल के बाद क्लास टॉपिक 9th में प्रवेश कर रहे हैं, पब्लिक कन्वीनियंस एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज आवर टॉपिक टुडे। वी विल लाइक टू डिस्कस समथिंग अबाउट the necessary goods and facilities which are given by the government, because we are seeing here lakhs and lakhs people, even crores, they have no capacity to get a or privilege to their self without the help of government। यानी आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जीवन की जो तमाम आवश्यकताएं हैं उसमें जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसको स्वयं के स्तर पर लाखों करोड़ों में ऐसे लोग हैं जिनकी आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। उसकी आवश्यकता है ऐसे सामग्रियों की, तो इसमें देखा जाता है कि सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उस सरकार के द्वारा किस प्रकार से प्रोवाइड है, क्योंकि हर सुविधा को स्वयं के स्तर पर मैनेज करना, व्यवस्था बना लेना यह संभव है सामान्य व्यक्ति के लिए। अब सड़क बनाने का कार्य है, सड़क पर चलने का कार्य है, रोड बनाने का कार्य है, तो सरकार की जिम्मे है। क्या व्यक्ति स्वयं के स्तर पर जहां से जहां तक जाएंगे वो क्या सड़क निर्माण, रोड बनाने, रेलवे लाइन बनाने बिछाने आदि का कार्य कर सकेंगे? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार की तमाम सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, जो बेसिक नीड्स है, ये सुविधा जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं जन सामान्य के लिए, ऐसी ही सुविधा को हम लोग पब्लिक कन्वीनियंस के नाम से जानते हैं। अब पब्लिक कन्वीनियंस जो व्यक्ति के व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए जो सुविधाएं आवश्यक है, जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। और वे सरकार की क्या भूमिका, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की क्या भूमिका है ऐसे जन सामान्य व्यक्ति के लिए, उनके सुविधा के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, इस पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या रहती है पानी की। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग दो भाग में बांट के क्लियर करना चाहेंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत आता है वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जल। जल के बिना मानव समुदाय का जीवन संभव नहीं है। ये मानव समुदाय ही नहीं, मतलब ऑल बीइंग थिंग्स, जितने भी जीव समुदाय हैं उसके लिए जल परम आवश्यक है। तो जल की सुविधा, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराना, इस प्रकार की सुविधा जो है उस सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर ये सैनिटाइजेशन की बात है, क्या आप
कल्पना कर सकते हैं कि पानी स्वयं के स्तर पर प्यूरिफाइड करना, तैयार करना, ड्रिलिंग करके फिर उसको सैनिटाइज प्यूरिफाइड करना, फिर सैनिटाइजेशन की बात, हेल्थ की बात, हॉस्पिटल स्थापित करना, फिर हाउसिंग की सुविधा, ये सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इस जो जन सामान्य व्यक्ति के हित के लिए है, कल्याण के लिए है, ये कॉमन, इसमें से कॉमन सुविधा जो है वो सरकार की ओर से दी जाती है। अब जैसे वाटर सप्लाई दिया गया, तो वाटर सप्लाई प्रत्येक घर घर में उपलब्ध करा दिया है, तो उसका एक मिनिमम चार्ज होता है जो सरकार को, यानी आम पब्लिक को सरकार को पे करना होता है। किंतु हर व्यक्ति इस प्रकार को स्वयं का स्तर पर नहीं कर सकते। कितने ऐसे लोग हैं जो प्यूरिफाइड वाटर वो बोतल में जो आता है, एक दिन में एक व्यक्ति को 6 लीटर चाहिए कम से कम पानी, 5 से 6 लीटर। अब 5 से 20 रुपया लीटर पड़ता है, तो 20 × 120 रुपया का केवल पानी पीने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए। तो एक परिवार में 6 सदस्य है तो कितना हो गया, तो 700-750 रुपया एक दिन का पानी का क्या है? संभव है? जन सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है, कुछ रईस गाड़ी को छोड़कर। तो इस प्रकार की सुविधा जो कराई जाती है सरकार की ओर से, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये वाटर सप्लाई का है। इसके अतिरिक्त है सैनिटाइजेशन, यानी साफ सफाई, स्वच्छता, कहते हैं स्वच्छता में देवत्व का वास है। यदि साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं रहेगी तो महामारी फैल जाएगी, इसीलिए साफ सफाई का होना परम आवश्यक होता है। फिर हेल्थ की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपको पता है कि जितने मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स की बहाली की जाती है, ये जन सामान्य व्यक्ति के हित के लिए, कल्याण के लिए, ताकि वो व्यक्तिगत डेवलपमेंट स्वयं के स्तर पर कर सके, इसके लिए सरकार की ओर से इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये दो कैटेगरी में, एक सोशल, ये समाज से बिल्कुल जुड़ी हुई आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारी मदों के द्वारा, फंड के द्वारा इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसमें वाटर सप्लाई, स्वच्छता, फिर हेल्थ केयर, हाउसिंग, आप लोग देखते होंगे चर्चा होती होगी समाज में कि बहुत से ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में किसी तरह से जीवन बसर बसर करने के लिए मजबूर है। इंदिरा आवास योजना, विभिन्न प्रकार के योजना के तहत उन्हें बिल्डिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये तमाम सुविधाएं जो व्यक्ति के बेटरमेंट के लिए, व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि व्यक्ति का अधिक से अधिक हित हो, कल्याण, क्योंकि हमारा स्टेट जो है वो कल्याणकारी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है। फिर दूसरी जो कैटेगरी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो फिजिकल एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें खास करके हम बिजली को देखते हैं। देखिए आज अंधेरी रात में भी यदि बिजली की सुविधा उपलब्ध है तो वो दिन की अनुभूति होती है, ये परम आवश्यक है। फिर इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशंस का। तो ये यानी इंफ्रास्ट्रक्चर दो कैटेगरी में, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और एक हो गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बिजली को ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन को ले सकते हैं, जो सरकार की ओर से उपलब्ध है, कराए गए हैं जन सामान्य व्यक्ति। क्या संभव है कि बिजली का स्वयं ये उत्पादन करके तब व्यक्ति प्रत्येक घर में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा सके? संभव नहीं है। तो इस प्रकार का जो रोल है उस सरकार का ही होता है, इन तमाम सुविधाओं को उपलब्ध करा करके व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो हमने देखा कि ये जो
व्यक्ति के यानी सार्वजनिक सुविधा जो दी जानी चाहिए सरकार की ओर से, इसको हम लोग दो कैटेगरी में देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को दो ग्रुप में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम वाटर सप्लाई को देखते हैं, सैनिटेशन को देखते हैं, सैनिटाइजेशन को देखते हैं, फिर हेल्थ केयर को देखते हैं, हाउसिंग वगैरह को देखते हैं, ये सारे तत्व इसमें आते हैं। और सेकेंड फैक्टर जो है, सेकेंड कैटेगरी जो है, उसमें फिजिकल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंतर्गत आता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आदि आते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।